आह्वान के लिए आज के कार्यक्रम ही कार्यक्रम सफलता के लिए सुरेंद्र भाई नीचे गीत भी लगा आज सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो विख्यात एक विद्यालय है 140 देशों तक अपना स्पिरिचुअलिटी पर मैसेज दे रहा है, उन्हीं की एक अणुई संस्था है RERF राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत 20 विंग्स हैं। वन ऑफ द यूथ विंग 85 में बना था। पद यात्रा पूरे भारत में निकाली गई थी। एक उसमें से लेह से दिल्ली भी थी। मैं समझता हूँ हमारे बीच में दीदी जी उस यात्रा के कैंडिडेट थे। आज का जो कार्यक्रम परमपिता परमात्मा शिव बाबा आदि देव ब्रह्मा बाबा संस्था की मुख्य रह चुकी दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, ड्यूरिंग पीरियड में दादी हृदय मोहिनी जी, रत्न मोहिनी जी, दादी रत्न मोहिनी जी और यूथ विंग की वाइस चेयरपर्सन दीदी चंद्रिका जी और हमारे नॉर्दर्न जोन के व्रता अरुण जी, उनके सहयोगी व्रता रतन जी और हमारे जम्मू की कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमारी कुसुम बहन और इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा देने वाली हमारी दीदी जो जम्मू कश्मीर की इंचार्ज भी हैं रायोगिनी दीदी सुदर्शन जी। आज का जो कार्यक्रम है ये वास्तव में स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। क्या दिन रखा है इसका, 12 जनवरी। पंजाबी में कहा जाता है तेरे पे मैं बारंबार जाऊं। तो वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी एक वो हस्ती रहे हैं भारत की जो एक भारत के शाइनिंग स्टार कहेंगे हम, स्पिरिचुअल स्टार थे, शाइनिंग स्टार थे, आध्यात्मिक गुरु थे। हमने यहां तक उनके लिए सुना है उनके गुरुजी स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी अपने समय के एक इतने अच्छे युवा थे कि हमारे बीच में युवा यो हैं। स्वामी विवेकानंद को तो फॉलो करें लेकिन अगर उनके गुरु को करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। वास्तव में स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी अपने समय के यूथ के वो स्टूडेंट रहे हैं कि मैं समझता हूँ बहुत कम होंगे। मैंने उनके लिए पढ़ा है मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए जब वो गए, बाद में उन्होंने PhD मैथमेटिक्स में की, प्रोफेसर रहे और आध्यात्मिक गुरु बने और उसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी ने भी उनको अपना गुरु माना और उन्होंने भी उसको एक सच्चा शिष्य माना और अपनी शक्ति उनको दी। जब वो मैट्रिक के पेपर में गए अपने स्टूडेंट लाइफ में यूथ थे जब वो, तो उनकी अंदरूनी पावर और बाहर की पावर क्या थी। जब पेपर आया उसमें लिखा था 13 questions attempt any 10। स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी जो गुरु रह चुके स्वामी आनंद जी के, आज का ये कार्यक्रम
प्रेजेंट लीड लगानी नहीं नहीं माइक